नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूँ गर्मियों में सूखी नाक से छुटकारा दिलाते हैं ये पांच घरेलू उपाय। प्यारे दोस्तों, सूखी नाक की समस्या खासकर नाक के अंदर की परेशानी होती है। इसे नाक के अंदर एक श्लेष्म की परत जम जाती है। यह समस्या खासकर गर्मियों में देखने को मिलती है। अगर आप भी इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जिससे इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। नाक का सूखापन कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सूखी नाक कई तरह के स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है। इस कारण साइनस की समस्या हो या फिर अत्यधिक सिरदर्द जैसी परेशानी होने की संभावना बनी रहती है। दूसरी परेशानी यह भी हो सकती है कि सूखी नाक कई तरह की असुविधा उत्पन्न करती है, सांस संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। सूखे नाक की समस्या खासकर नाक के अंदर की परेशानी होती है। इससे नाक के अंदर एक श्लेष्म की परत जम जाती है। यह समस्या खासकर गर्मियों में देखने को मिलती है। अगर आप भी इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जिससे इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। पानी पिए। सूखे नाक की समस्या अक्सर पानी की कमी से भी हो सकती है। गर्मी में अक्सर शरीर में पानी की कमी होती है जिससे नाक में सूखापन आ जाता है। ऐसे में पानी पीना बहुत जरूरी हो जाता है। भरपूर मात्रा में पानी पीने से कई तरह की समस्या से आप बच सकते हैं। नेसल स्प्रे। अगर आप सूखी नाक की समस्या से परेशान हैं तो आपके लिए नेसल स्प्रे बेहतर हो सकता है। यह नाक का मार्ग गीला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो नाक सूखने लगेगी और श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंच सकता है। स्टीम। आम होम फेशियल ट्रीटमेंट यानी स्टीम भी सूखी नाक से राहत देने में काफ़ी मदद करती है। स्टीम के लिए आप स्टीम स्टीमर भी ले सकते हैं या फिर किसी बड़े बर्तन में पानी तेज गर्म करके भाप ले सकते हैं। भाप लेने से पहले सिर को तौलिए से ढक लें और जितनी देर बर्दाश्त कर सके भाप लें। नारियल तेल। हम सब नारियल तेल से जुड़े फायदों के बारे में जानते हैं। यह लगभग सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हमेशा बहुमुखी गुणों के कारण जाना जाता है। नाक में नारियल तेल लगाने से सूखापन दूर होता है और कोशिकाओं के बीच के अंतराल को भरकर दर्द को दूर करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रहे, या अन्य किसी भी उपाय की तरह इसे भी ज़्यादा ना करें। एक दिन में कुछ बूंदे नारियल की तेल की सूखी नाक में लगाने से आपको राहत प्राप्त होगी। बादाम का तेल। बादाम का तेल नाक के सूखेपन को दूर करने का एक शानदार उपाय है। हालांकि मात्र बादाम का तेल लगाने से यह समस्या आसानी से दूर की जा सकती है, लेकिन एलोवेरा जेल मिक्स करने से यह और भी अच्छी तरह से काम करती है। सूखी नाक की समस्या को दूर करने के लिए इन दोनों के मिश्रण को कॉटन बॉल की मदद से अपनी नाक के अंदर लगाएं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।